तो देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि जितनी चीजें सिंपल दिखा दी जाती है ना, उतनी वो एक्चुअल में होती नहीं है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि मुझे अचानक से ये क्या हो गया है, ऐसी बहकी बातें क्यों कर रहा हूँ मैं वीडियो के शुरू होते ही। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों का इतना सारा सपोर्ट जो है। लेकिन आज का ये वीडियो ही कुछ ऐसा है जिसे देखने के बाद शायद आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ जाए कि चीज़ें एक्चुअल में कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है अगर डीपली देखे तो। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले आज इस वीडियो में निकोला टेस्ला के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और इंटेलेक्चुअल फिजिसिस्ट माने जाते हैं। देखिए कि किस तरह से इनके एडवांस इन्वेंशन को दबाया गया है, लेकिन आखिर क्यों, और क्या ये पॉसिबल है कि सीक्रेटली कहीं ना कहीं इन्हीं की कुछ इन्वेंशन को अंडरग्राउंड मिसयूज किया जा सकता है इन फ्यूचर। तो दोस्तों, इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं निकोला टेस्ला से रिलेटेड, और जानेंगे इनके मौत के पीछे की मिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, आखिर तक जरूर बने रहिएगा। निकोला टेस्ला। जी हाँ दोस्तों, टेस्ला कोई आम शख्स का नाम नहीं था। निकोला टेस्ला एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में ऐसे इन्वेंशंस के बारे में सोचा था जो अगर आज सक्सेस होने दिया गया होता प्रॉपर फंडिंग प्रोवाइड करके, तो आज का ये जो हमारा दौर है ना, किसी साइंस फिक्शन मूवीज से कम नहीं होता। क्या दोस्तों, मैंने कहा साइंस फिक्शन मूवीज से कम नहीं होता। तो मतलब सोच लीजिए कि निकोला टेस्ला की इमेजिनेशन का पावर क्या था, और ये सब जो इन्वेंशंस के बारे में उन्होंने इमेजिन किया था, उस प्रोजेक्ट्स पर इन्होंने इनिशिएशन भी शुरू कर दिया था, मतलब कि इनका काम उस पर शुरू हो चुका था। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इन्हीं के कुछ लॉस्ट इन्वेंशंस के बारे में जिसे लॉन्च होने नहीं दिया गया और कुछ रीजंस के वजह से ये ऐसे ही दबा दिया गया था। सबसे पहला इन्वेंशन अगर हम देखें तो वो है लॉस्ट कैमरा। नाम सुनकर थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन क्या आप लोग गैस कर सकते हो कि ये एक्चुअली क्या हो सकता है? अगर नहीं तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर ये कैमरा आज इन्वेंट होने दे दिया गया होता, इसे सक्सेस मिल गई होती, तो हम और आपके जो थॉट्स होते हैं ना, वो सिंपली एक सोर्स, एक अपैरेटस पे रिकॉर्ड किए जा सकते थे। मतलब कि अगर आप कोई इमेज को इमेजिन करते हो तो वो सिंपली एक सोर्स पे ड्रॉ किया जा सकता था ऑटोमेटिकली। और इसी के साथ टेस्ला का ये भी कहना था कि इस कैमरे के चलते इंसानी दिमाग एक खुली किताब की तरह हो जाएगा। मतलब कि इस कैमरे के जितने फायदे थे उससे ज्यादा तो इसके नुकसान भी हो जाते थे। अब पता नहीं इस प्रोजेक्ट का इन्वेंशन कहाँ तक हुआ था, क्योंकि टेस्ला की मौत के बाद उनके कमरे से उनकी काफी सारे डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो चुके थे, और इन्हीं की मौत से रिलेटेड काफी ज्यादा मिस्ट्रीज जो बनी हुई है उसे भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर नेक्स्ट इन्वेंशन पर हम नजर डालें तो वो है अर्थक्वेक मशीन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अर्थक्वेक मशीन। 1983 में टेस्ला ने एक मैकेनिकल ऑसिलेटर पेटेंट करवाया था जिससे काफी ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता था एक चीप प्राइस में। लेकिन चीप प्राइस में कैसे पॉसिबल है, मैं इसे इतना दावे के साथ कैसे कह सकता हूँ? ये इसलिए क्योंकि ये एक स्टीम पावर्ड ऑसिलेटर था, मतलब स्टीम पर कोई भी चीज रन होती है तो वो ज्यादा कॉस्टली नहीं होती है, मतलब कि काफी ज्यादा चीप प्राइस में अवेलेबल था, और जब ये लॉन्च हो जाता था तो लोग इसे काफी ज्यादा आसानी से अफोर्ड कर सकते थे। तो ऐसा क्या हुआ जो ये मैकेनिकल ऑसिलेटर को एक अर्थक्वेक मशीन का नाम दे दिया गया, आइए जानते हैं। तो इसी के साथ टेस्ला अपने न्यूयॉर्क सिटी के लेबोरेटरी में इसे टेस्ट कर रहे थे, तो अचानक से एक भूकंप जैसा फील हुआ उन्हें, कुछ क्रैकिंग साउंड जैसी आवाजें सुनाई देने लगी। तब जाके टेस्ला को ये समझ आया, ये अंदाजा आ गया कि इन्होंने एक्सीडेंटली कुछ और ही इन्वेंट कर दिया है बाय मिस्टेकनली। तो यही मशीन बंद करने के लिए उन्होंने काफी सारी कोशिशें की, लेकिन ये मशीन बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब जाकर के टेस्ला ने इसे तोड़ दिया, क्योंकि अगर ये मशीन ज्यादा लंबे समय तक चलती रहती तो बहुत बड़ा अर्थक्वेक उस समय आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते थे, और काफी ज्यादा तबाही हो जाती थी पूरे न्यूयॉर्क सिटी में। तो अभी अर्थक्वेक मशीन के बारे में आप लोगों ने सुना, राइट? तो इससे आप लोगों को समझ में आ गया कि इससे एक मैन मेड अर्थक्वेक बनाया जा सकता है। तो इसी अर्थक्वेक मशीन को सुनने के बाद कुछ लोगों के दिमाग में एक हल्का सा शब्द आ रहा होगा, और वो शब्द है हार्प टेक्नोलॉजी का। जिन भी लोगों के लिए हार्प टेक्नोलॉजी का शब्द नया है, उन लोगों के लिए मैं शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। दोस्तों, ये इकलौती एक ऐसी टेक्नोलॉजी मानी जाती है जो वेदर या क्लाइमेट को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है, जैसे कि मैन मेड अर्थक्वेक्स या फिर किसी भी तरह का मौसम में बदलाव लाना हो तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो करना पॉसिबल है। लेकिन आज भी लोगों में हार्प टेक्नोलॉजी एक कॉन्स्पिरेसी के नाम से जानी जाती है, लेकिन अगर अर्थक्वेक मशीन को देखे तो ये लगता है कि इस प्रोजेक्ट को कैसे ना कैसे करके अंजाम दिया जा सकता है इन फ्यूचर। मतलब कि हार्प टेक्नोलॉजी अगर एक नाम दे तो लोग कॉन्स्पिरेसी कहेंगे, अगर मैं एक अर्थक्वेक मशीन का नाम दूं तो लोग निकोला टेस्ला की इन्वेंशन समझ के उससे सच मान ही लेंगे। तो मतलब कि अर्थक्वेक मशीन को देखना और एक हार्प टेक्नोलॉजी को देखना एक हद तक बहुत ही सिमिलर है। तो मतलब कि हार्प टेक्नोलॉजी को जो लोग भी कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं, एक हद तक ये कॉन्स्पिरेसी इन फ्यूचर सच होते हुए नजर आ सकती है। दोस्तों, हमने तो सिर्फ अभी दो ही इन्वेंशन के बारे में डिस्कस किया है, और भी ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट है जिस पर
टेस्ला ने काम कर चुका था और उस पर मोस्ट प्रोबेबली काम खत्म ही हो गया था, जैसे कि रेड बीम, आर्टिफिशियल टाइडल वेव और सुपरसोनिक एयरशिप्स। दोस्तों ये सब टेक्नोलॉजीज के बारे में अगर हम डिस्कस करते बैठे ना तो वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। लेकिन अब एक नजर डालते हैं निकोला टेस्ला की मौत के पीछे की मिस्ट्री पे। अब कुछ लोगों का यह मानना है कि जो पावरफुल बैंकर्स मतलब के रूलिंग पार्टीज एलाइट क्लास के लोग हैं यूएस के, उन्होंने निकोला टेस्ला को मरवा दिया है। लेकिन ऐसा क्यों, जबकि पब्लिकली ये बताया जाता है, अगर अभी भी आप जाके सर्च करो तो ये मालूम पड़ेगा कि निकोला टेस्ला की मौत 1943 में कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के कारण हुई है न्यूयॉर्क सिटी में। तो इसी के साथ जो हमने पहला रीजन देखा वो एक कॉन्स्पिरेसी माना जाता है मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन थोड़ा सा अगर हम डीप में जाए तो इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे एक सच्चाई मौजूद है ये समझ में आता है। टेस्ला ने जितने भी इन्वेंशंस के प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया था वो सब एक चीप प्राइस में लोगों को अवेलेबल किया जाने वाला था इन फ्यूचर, क्योंकि वो हमेशा इनका मोटिव यही था कि जो भी वो प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे कुछ भी चीजों को एक ऐसे कॉस्ट एफिशिएंट में बनाया जाए कि हर कोई उसे अफोर्ड कर सके आसानी से। तो इन सब इन्वेंशन से एलाइट क्लास का ये नुकसान होता था कि जब चीजें नॉर्मल प्राइस में अफोर्ड किए जाने लगते थे तो ये लोग किसी भी चीजों का बिजनेस नहीं बना सकते थे। आप लोगों को पता है एक बात ऐसी भी कही जाती है, अगर निकोला टेस्ला जिंदा होते मतलब कि जो आप जो नॉर्मल व्हीकल यूज करते हो उसमें पेट्रोल डीजल की तो चीजें लगती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर टेस्ला आज मौजूद होते तो वो कुछ ऐसे इन्वेंशन के साथ भी ऐसे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे थे कि ये सब चीजें सिर्फ वाटर पे सिर्फ पानी पे चल सकती थी। तो मतलब सिर्फ पानी पे चलना क्या होता है, अगर आप थोड़ा भी इमेजिन कर लो कि पानी पर ये सब जो कार बाइक चल रही है आज वो सिर्फ वाटर पर चलती तो ये सब पेट्रोल डीजल वगैरह का बिजनेस नहीं होता था। तो आप समझ रहे हो कि जो हाई क्लास एलाइट्स वाले हैं उन लोगों का बिजनेस ये सब के जरिए नहीं चल पाता था। और सिंपल है कि मैक्सिमम चांसेस है कि ये कॉन्स्पिरेसी भी सच हो सकती है, क्योंकि किसी भी तरह से बस लोगों को कंट्रोल में करके ही इन्हें अपना बिजनेस चलाना होता है। और जो रूम में टेस्ला की मौत हुई वहां से इनके रिसर्च डॉक्यूमेंट भी मिसिंग थे, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, मतलब कि कोई तो था जो इनके रिसर्च और आइडियाज को चुराना चाहता था। तो ये और कोई नहीं सिर्फ हाई क्लास एलाइट्स वाले हैं जो इनके आइडियाज को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि आप देखोगे कि काफी ज्यादा ऐसे इन्वेंशन है जो इन्होंने वेरी कॉस्ट एफिशिएंट बनाया था। और हमने ये बातें पहले भी डिस्कस की है कि कैसे टेक्नोलॉजी का मिसयूज करके बहुत से कामों को अंजाम दिया जाने वाला है इन फ्यूचर, जैसे कि हमने आज देखा इन टेस्ला के लॉस्ट इन्वेंशन के बारे में। ये सब इन्वेंशन को जल्द से जल्द छुपा दिया गया, जल्द से जल्द खत्म कर दिया गया, क्योंकि अगर आगे इन फ्यूचर ये सब रिलीज कर दिया जाता तो लोगों को बहुत ही सस्ते दाम में ये सब चीजें मिलने लगती और इनका बिजनेस पूरा ही तरह से खत्म हो जाता। अब लोगों को क्या लगता है टेस्ला के इन इन्वेंशन को क्यों नहीं लोगों के सामने लाने दिया गया और जो टेस्ला की रिसर्च प्राइस थी वो अचानक से कहां डिसअपीयर हो गई। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करेगा, और अगर मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्रेश मिस्ट्री चीजें आपको दिखाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।